और जितने लोग आप लोग जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस पावन रतलाम की भूमि पर पावन प्रागण्य में बैठकर श्रवण कर रहे हो, आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप कथा बैसाख महीने की श्रवण कर रहे हैं, ये भाव जागृत रखना कि मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरे नारायण, ये अगर ये बैसाख मास की कथा का अगर लाभ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का कल्याण होगा ही, ये निश्चित है। बैसाख के महीने में अगर एक गिलास भी पानी आप दिल से अगर किसी को पिला रहे हो तो गंगा की 1000 डुबकी आप रोज लगा रहे हो, ये विचार मानकर चलिए, कोई कम नहीं है। किसी ना किसी रूप में हम जब भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, हमारा समर्पण जब भगवान के प्रति होता है, हमारा समर्पण भाव जब भगवान के प्रति होता है तो उसका सुख हमें मिलता जरूर है। और शंकर की कथा में शिव को केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा मोहि छल छल कपट नाम, शंकर को निर्मल चित्त, निर्मल मन, निर्मल भाव चाहिए, निर्मल दिल चाहिए। भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं है, तुम दूसरे मंदिर में जाकर खूब अपना वैभव दिखाना सा, तुम मेरे राम जी के मंदिर जाना, खूब प्रसाद लेकर जाना, लड्डू लेकर जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना, खूब लड्डू प्रसाद लेकर जाना, भगवान ब्रह्मा के मंदिर जाना, कमल का फूल, गुलाब के फूल लेकर जाना, माँ देवी के मंदिर जाना तो चुनरी और चूड़ी लेकर जाना, अन्य जितने मंदिर में जाओ, तुम शनि महाराज के मंदिर जाना तो साथ में तेल लेकर जाना, तुम उस मंदिर में जाना बृहस्पति महाराज के तो चने की दाल लेकर जाना, पर शंकर के मंदिर में जाना तुम्हारे पास में अगर जल हो तो ले जाना, नहीं हो बेलपत्र ले जाना, बेलपत्र नहीं हो चावल ले जाना, चावल और पुष्प भी ना हो तो मंदिर के बेलपत्र उठाना, धोना और शंकर जी को वापिस चढ़ा देना। शिव को तुम्हारा निर्मल चित्त चाहिए, मन केवल तुम्हारा, शंकर को तुम्हारा वैभव से कोई मतलब, तुम्हारा कितना वैभव है, तुम्हारे पास में कितना धन है, कितनी संपदा, कितनी दौलत, कितनी सत्ता, इससे शिव को कोई मतलब। आपने भगवान को दिया क्या है, भगवान को आपने समर्पित किया क्या है। पशुपति व्रत जब माताएं करती हैं, भाई करते हैं, बच्चे करते हैं, और जब पशुपति व्रत के 5 दिए मंदिर में लगाने के बाद जब वो छठा दिया अपने दरवाजे पर, दरवाजे की ओर मुख कर बैठ कर सीधे हाथ की ओर जब वो दिए को लगाती हैं बेटियां, बहुएं, माताएं, भाई, पशुपति व्रत का जब वो छठा दिया मंदिर से लेकर आने पर, मंदिर के द्वार से लाकर अपने घर के द्वार पर जब वो जलाती है तो उसके मन का जो भाव होता है, जिस दिल से, जिस हृदय से, जिस चित्त से, जिस वृत्ति से वो भगवान से जो कहती है, भगवान पशुपति व्रत के अंतर्गत 5 ही व्रत में उसका मन का मुराद पूर्ण कर देते हैं, हृदय की बात पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि दिल से कहा गया। जो दिल से कहा जाता है भगवान उसको दिल से स्वीकार करता है।